मैं आ चुकी हूँ गुड़गांव में। वैसे तो बेसिकली दिल्ली में ही रहती हूँ, लेकिन दिल्ली में है आज लॉकडाउन। हाँ थोड़ा सा मैंने सोचा बना ही लेती हूँ, तो फिर मैं आ गई गुड़गांव। अभी हम जा रहे हैं अरावली, अभी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी और दिस इज़ माई फर्स्ट ब्लॉग। वहाँ जाती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ, बस मैं बीच बीच में भी बनाती रहूँगी ब्लॉग, सो आप लोग मेरे साथ बने रहें। और चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। लग रहा है पता नहीं कहाँ आ गए, आउट ऑफ दिल्ली। सच में नहीं, इंडिया से बाहर भी बोल सकते हो। देखो एक छोटा सा रॉबर्ट टाइप का, ये देखो गाइस, ये बना है पूरे पहाड़ी इलाके में। बहुत अच्छा फील आएगा अगर आप लोग यहाँ पे आ गए तो। ये तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, खैर पता नहीं कैसे बनेगा, वो तो आप लोग बताओगे कैसा बनेगा। आओ गाइस देखो, ये जीवन वर्ती पुलिया, यहाँ पे हम आए हैं कुछ खाने के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे रेस्टोरेंट बना दिए हैं लोगों ने। हाँ यहाँ पे फार्म हाउस भी बहुत सारे हैं, फार्म हाउस तो बहुत अच्छे होते हैं, आराम से आगे रुक सकते हैं। और यहाँ पे तो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं, लोग कितने आए हैं। बस एक यही टेंशन है कि ऑटो या वो नहीं आ सकती, बस नहीं आ सकती यहाँ पे। ये वो है फरीदाबाद में, वो नहीं पड़ता रास्ते में बाइक वाला, ये उसी की ब्रांच है। अच्छा तो बहुत बना हुआ है यहाँ पे, अब वही शुरुआत। हाँ अब ये शुरुआत रिजॉर्ट की, रुकने के पर्पज से भी इंसान यहाँ पे आ सकता है, मतलब ये है ना। हाँ। रुक सकते हैं यहाँ पे आके, परेशान नहीं होना पड़ेगा लोगों को, बात भी है। यहाँ पर तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम पता नहीं कौन से टूरिस्ट प्लेस पे आ गए हैं। ये देखो ये देखिए गाइस, खाने पीने का आप लोग तो प्लीज़ एक बार यहाँ पे विजिट करने जरूरी आ जाओ, बहुत अच्छी जगह है। दूर जाने का तो प्लान कर नहीं पाते हम लोग, पास में ही घूम लो। ये इनका लंच का टाइम हो चुका है शायद, ऊँट का खा रहा है आराम से बैठ के। तो इतनी भूख लगी कि मेरे को छोड़ के ही चले गए दोनों के दोनों। ये देखो इन्हें तो याद ही नहीं है कि मैं हूँ कहाँ।